हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स में 1500 अंक से ज्यादा की गिरावट है और यह 79,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी करीबन 500 अंक गिरा है और 24,200 के स्तर पर है। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1500 अंक गिरकर 79,500 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 500 अंक गिरकर 24,200 की स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में गिरावट आई है, जबकि सिर्फ 2 शेयरों में तेजी देखी गई है। मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों में भारी गिरावट हुई है, तो वहीं टाटा मोटर्स, मारुति, टाइटन और साथ ही टाटा स्टील के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। और बात करें अगर सिगल इंडिया के आईपीओ का, तो आज आखिरी दिन है और अब तक यह 1.26 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ये ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियर जो है 13.22% यानी कि 53% शेयर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावना और अमेरिका में मंदी की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि वॉरेन फबे की कंपनी वर्कशायर हैथवे ने एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है और अन्य बड़े निवेशक भी अब सेलिंग कर रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।